नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल की प्रकृति अति उग्र मानी जाती है। मंगल हमें धन वैभव सुख समृद्धि सारे चीज स्वतः ही प्रदान करते हैं। अगर हमारे जीवन में अमंगल आ जाए तो हमारे जीवन बहुत ही कष्टों से गुजरता है। तो हो सके तो जितना ज्यादा हो सके मंगल को प्रसन्न रखने के प्रयास करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित है, मंगलवार के दिन मंगल देव को समर्पित है। और आज के वीडियो में जानेंगे मंगलवार के दिन ऐसे कौन से कार्य जिसे नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे घर में निर्धनता आती है, गरीबी मिटती है, हमारे जीवन कष्टों से गुजरता है। तो अगर आप हमेशा धनवान बने रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा धनवान बने रहे, आपके घर हमेशा अन्न धन से भरे रहे, तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखेगा। अगर आज का वीडियो मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। और मंगल की जो मैं आज जानकारी बताऊंगा, मंगलवार के दिन कौन से ऐसे 6-7 कार्य जिसे नहीं करना चाहिए, ये सारी जिंदगी आपको काम आएंगे। अगर इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं, वास्तुशास्त्र में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। तो मंगलवार के दिन जमीन का लेन देन नहीं करना चाहिए, मिट्टी का खुदाई नहीं करना चाहिए। जमीन का लेन देन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मंगल देव है ये भूमिपुत्र कहे जाते हैं, यानी कि पृथ्वी माता के पुत्र हैं, और इस दिन इसलिए जमीन का लेन देन नहीं करना चाहिए और मिट्टी की खुदाई भी मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे मंगल दोष लगता है। काले वस्तु खरीद करके घर में मंगलवार के दिन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि काले रंग शनि देव का प्रतीक है। शनि और मंगल एक दूसरे का घोर शत्रु है। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। तो मित्रों, मंगलवार के दिन भूल करके काले वस्तु घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए, इसे घोर पाप भी लगता है और शनिदेव भी हमसे नाराज हो जाते हैं, मंगल देव भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कठोर शत्रु हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन से बचना चाहिए। हो सके तो मंगलवार के दिन मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित है और यह दिन भगवान श्री राम जी हनुमान जी का सेवा करने का दिन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति गलती से मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करते तो उनके घर में अमंगल आने लगते हैं, और अगर मंगल आज से रूठ जाए तो आपके जीवन नरक जैसा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें मंगलवार के दिन, वैसे तो हमारे 7 दिन में भी मांस मछली नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोशिश करें मंगलवार के दिन आपको मांस मछली से बचना चाहिए, ये आपके जीवन को बद से बदतर बना सकते हैं। हो सके तो मंगलवार के दिन बाल नाखून न काटें, स्विमिंग भी नहीं कराना चाहिए, इससे मंगल दोष लगता है और मंगल दोष लगने पर रक्त संबंधी बीमारी और चर्म रोग होता है। रक्त संबंधी बीमारी, कोई भी आपको रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। और महिलाएं इस दिन काले कलर की साड़ी न पहने, और पुरुष भी ध्यान रखें कि इस दिन काले कलर के कपड़े न पहने, हो सके तो लाल कलर की कपड़ा पहने, इससे आपके मंगल देव के प्रति आस्था बढ़ेंगे, मंगल देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको धन वैभव से परिपूर्ण बनाएंगे। आइए जानते हैं मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे मंगल देव प्रसन्न हो और हमें अन्न धन से भरे। तो हो सके तो मंगलवार के दिन मसूर दाल खाएं, लाल कलर की जो भी दाल है इसे खाना चाहिए, क्योंकि जो लाल कलर है मंगल देव को समर्पित है। छोटे बच्चे को लाल कलर की चॉकलेट आप बांट सकते हैं। हनुमान या मंगल जी की कृपा प्राप्त करना चाहते छोटे बच्चे को चॉकलेट बांटे, या हनुमान मंदिर में जाकर के लाल कलर की ध्वजा जो है श्री राम लिखा आपको हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना चाहिए, इससे मंगल देव से बचाव होता है, हमारे घर में धन वैभव की बढ़ोतरी होता है। तो ये थे छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।